हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का सबसे पहला हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। आपने कर्व का यहाँ पे इक्वेशन लिखना है। वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका कर्व क्या है, एक्स है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। ठीक, सेकेंड एंड द लाइन एक्स इक्वल टू क्या है आपका, वन है। एक्स इक्वल टू वन है एंड आपका क्या है, एक्स इक्वल टू फोर है एंड आपका क्या है, एक्स एक्सिस। ये इतने सारे इक्वेशन दे रखे हैं, इससे जो बाउंडेड रीजन बनेगा उसी का हमको क्या बताना है, एरिया बताना है। तो सबसे पहला स्टेप अपन करेंगे क्या, डायग्राम पहले बनाएंगे। साथ साथ बनाते चलो मेरे। ये रहा आपका एक्स, एक्स डैश वाई, वाई डैश आपका हो गया ओरिजिन, और इक्वेशन क्या है आपका, वाई स्क्वायर इक्वल टू ये बन गया आपका एक्स। ये लिख लो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका, एक्स है। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो गया। आप नेक्स्ट क्या करोगे, देखो क्या कह रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू x, और इसके बाद से ले लो x इक्वल टू आपका क्या है, ये मान लो हमारा 1 है, ये बना लो आपका हो गया x इक्वल टू 1, और नेक्स्ट है आपका x इक्वल टू 4, इसका कोऑर्डिनेट 1 और इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या है, 4 है। ठीक है, इतना काम कर लो सभी लोग। ठीक, चलो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या बताना है, देख लो क्वेश्चन को फिर से देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द कर्व एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4 एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये पूरा एरिया बताना है, टूटा का टूटा। ठीक, तो हम करेंगे क्या, एक रीजन का एरिया बताएंगे इस वाले का। ठीक, और इसी को अपन क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दिस वन इज सिमेट्री अबाउट क्या है, एक्स एक्सिस है। तो दिस एरिया एंड दिस एरिया बोथ आर इक्वल इफ वी कंसीडर दिस एरिया इज A1 एंड दिस एरिया इज A2। दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू A2। ठीक, ओके, क्लियर है ना। तो आपका आप लिख लो, लेट रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ए। हम क्या करेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है पूरा, उसको हमने क्या कर लिया, ए लेट कर लिया। ठीक है, तो हम इस पोर्शन का एरिया निकालने के लिए यहाँ पे आपने पहले स्टेप में क्या करना है, एक स्मॉल स्ट्रिप लेना है, इस लेंथ को डी एक्स लोगे और इस वाले को आपने क्या ले लेना है, वाई लेना है। तो चलो अब ए इक्वल टू, फिर क्या करोगे, 2 से डायरेक्ट हम लिख लें रिक्वायर्ड एरिया, इससे जो एरिया निकालेंगे तो सिर्फ इतने का निकलेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हमने यहीं पे काम कर दिया 2, या तो फिर आप A1 निकालते, लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, ये हो गया। अब लिमिट की बात करो, तो लिमिट की बात करोगे तो ये 4 है, ये 1 है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 टू 4, सिंपल है, इजी, सीधे दिख रहा है आपका लिमिट। ठीक, और आपने ये लिख लेना है y इंटू डी एक्स। ठीक, नेक्स्ट 1 टू 4, y की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू x, तो आपका ये हो जाएगा अंडर रूट x डी एक्स। ठीक है, ओके, अब चलो इसको आप सॉल्व कर लो, 2 और x को करोगे तो x टू दी पावर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेट करोगे तो 3/2, और ये 2/3, और ये 1 टू 4, इसको आप बाहर ले लो तो ये 4/3। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो x तो 4/3/2 माइनस 1 टू दी पावर, अब आपका 1 टू दी पावर क्या हो जाएगा, ये 3/2। इसी को हमने क्या करना है, अब सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलो तो ये ठीक है ना, 2/3, तो ये 2 2 4 4/3, अब इसी को आप सॉल्व कर लो तो ये आपका हो जाएगा 4/3, और ब्रैकेट के अंदर देखो 4 पावर, इसको हम अलग से ऐसे सॉल्व कर लो, 4/3/2 को आप क्या लिख सकते थे, 2/2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा,
टू पावर थ्री इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तो ये एट हो जाएगा, और माइनस आप यहाँ पे करोगे तो ये क्या आ जाएगा, वन की पावर में चाहे जो लो वैल्यू क्या आएगी, वन। तो ये आपका हो जाएगा सेवन, और फोर से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 28/3। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 28/3 स्क्वायर, आपका क्या हो जाएगा यूनिट, 28/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो सब लोग इसको क्या करो, राइट डाउन कर लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक कंफ्यूजन और रहता है कि किसी किसी एनसीईआरटी के बुक में तो ये दिया रहता है, और किसी किसी में ये भी ऐड कर देता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, ये सेंटेंस भी ऐड कर देता है कि जो आपको रिक्वायर्ड एरिया बताना है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पुरानी वाली एनसीईआरटी में आप देखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा है, नहीं में चाहे नई पुरानी जो भी हो, तो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होता है कि आपका क्या दिया रहता है, किसी बुक में फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है किसी में नहीं लिखा है। तो अगर आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात नहीं लिखा है तो आपका ये आंसर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अगर आपसे ये बोल दिया कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बताना है एरिया, तो हमें सिर्फ ये एरिया बताना होगा, ये वाला एरिया नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसकी बात करोगे तो आप ये जैसे हमारा आ गया 28/2, तो अगर ये लिखना होगा एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करोगे तो 28/3 और डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा, 2 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जैसे आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 14/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपके बुक में फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख रहा है तब आपका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में क्या हो जाएगा, दिस वन। अगर होल एरिया पूछ रहा है तो 28/3, जिसके बुक में जो हो उस हिसाब से इसको आप क्या कर लो, राइट डाउन कर लो। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारा, इसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x है। ठीक है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, और क्या दे रखा है, एंड द x एक्सिस, ये आपका दे रखा है एंड x एक्सिस, और क्या दे रखा है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, हमको बताना है एरिया बाउंडेड बाई दीज रीजन्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग ग्राफ प्लाट करेंगे। ये हो गया आपका एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, और आपका क्या हो गया ओरिजिन। अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका 9x है, ये आप ऐसे ग्राफ प्लाट कर लो। ये हो गया आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपका, x इक्वल टू 2, ये ले लो यहाँ पे, ये ले लो ये 2। अब इसको ऐसे आप प्लाट कर लो, x इक्वल टू 2 हो गया। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपने क्या ले लेना है 4, ये हो गया आपका x इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका x इक्वल टू 4। ठीक, और इसके बाद आगे आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, और ये कह रहा है x एक्सिस, तो आपका ये हो गया x एक्सिस हो गया। ठीक, और ये भी कह रहा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपको जो एरिया बताना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस वाले पोर्शन का हमको क्या बताना है, एरिया बताना है। ये शेडेड रीजन हो गया, ठीक है, दिस वन। ये देखो लाइन इसमें कवर हो गया x इक्वल टू 2, ये हो गया x इक्वल टू 4, आपका कर्व भी आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 9x, और x एक्सिस भी आ गया, और आपका क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। तो हमें इस पोर्शन का एरिया बताना है, इसका नाम लिख लो ए बी सी डी। हमें किस रीजन का एरिया बताना है, एरिया ऑफ द रीजन ए बी सी डी ए का। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले एक ऐसे स्मॉल स्ट्रिप ले लो। ठीक है, जैसे हम लोग
यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स और ये क्या हो जाएगा आपका वाई हो जाएगा। ठीक है, मान लो इस एरिया को हमने सपोज कर लिया कि ये क्या है ए, लेट एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी भी क्या है ए। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेंगे ए इक्वल टू तो सबसे पहले आप लिख लो इंटीग्रेशन वाई इंटू डी एक्स, जो स्मॉल स्ट्रिप है उसका एरिया लिख लोगे वाई इंटू डी एक्स, लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 2 to 4, ये लिमिट हो जाएगा आपका 2 to 4 और आपका क्या हो गया वाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका 9x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 9x, तो 3√x हो जाएगा। ये वैल्यू पुट कर लो 2 to 4 और आपका 3 है तो 3 को क्या कर लो बाहर ले लो और अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा ये x dx हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो इसका आप इंटीग्रेशन कर लो साल, तो ये क्या हो जाएगा x टू दी पावर 3/2 अपान ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट क्या हो गई आपकी 2 to 4। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो तो 3 into ये इधर आएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा 2/3, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये x की जगह पे 4/3/2 माइनस 2/3/2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 2, और इसको आप सॉल्व कर लो 4/3/2 क्या हो जाएगा जल्दी बोलो 4/3/2 8 हो जाएगा ना, और 2/3/2 करोगे तो क्या आ जाएगा ये 2√2 आएगा। ठीक है, देख लो तो ये हो गया 2√2। ठीक है, अब इससे क्या कर लो 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 16 -4√2, और ये ज़रूर लिखना स्क्वायर यूनिट, नहीं मार्क्स बोर्ड एग्जाम में कट जाता है। हर क्वेश्चन में एक चीज़ फिक्स रखना कि यूनिट ज़रूर लिखना है स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, नहीं अगर आप 100 पा रहे हो बोर्ड एग्ज़ाम में, अगर आपकी काफ़ी 100 की है अगर तब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तब आप स्क्वायर यूनिट हो तो इस पे नंबर काट लिया जाता है, ये ध्यान दो। बाकी 60-70 वाली कापीज रहती है तो उसमें कोई केयर नहीं करता, फिर इसमें फुल में फुल मार्क्स मिल जाता है। बाकी अगर 100 वाली कापी है तो ये छोटी छोटी मिस्टेक ध्यान दिया जाता है। ठीक है, चलो हो गया सबका। सभी लोगों का हो गया आकर्ष यार हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, यहाँ पे दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4 एंड क्या दिया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस दे रखा है और यहाँ पे भी दे रखा है क्या आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी दे रखी है और आपको क्या बताना है एरिया बताना है। तो सबसे पहले क्या करो डायग्राम, पहला स्टेप हर क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है डायग्राम बनाओ। x, x डैश, y, y डैश ओरिजिन, और जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो ये इस पर भी ध्यान देना है कि x, x डैश लिखना है, y, y डैश, बच्चे इसको जनरली छोड़ देते हैं, फिर वही चीज़ बोलेंगे कि 100 वाली कापी में यहाँ भी प्रॉब्लम रहती है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, परफेक्शन चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो ये x, x डैश, y, y डैश और आपका क्या हो गया ओरिजिन। आप देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका 4y है, तो ये ग्राफ कैसे बन जाएगा एलॉन्ग ये y एक्सिस, ये लिख लो आपका ग्राफ हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ठीक, नेक्स्ट क्या दे रखा है y इक्वल टू 2 ले लो यहाँ पे, तो y इक्वल टू ऐसे 2 ले लो और ये बना लो ऐसे गया। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है y इक्वल टू 4, 4 आप यहाँ पे ले लो
और ये लाइन ऐसे बना लो, ठीक। y इक्वल टू 4 बोल रहा है, इसके बाद से कौन सा एक्सिस बोला आपसे, ये बोला y एक्सिस बोला, और साथ में ये भी बोल रहा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक। नाम लिख लो ए बी सी डी, हमको किस रीजन का एरिया बताना है, एरिया ऑफ द रीजन ए बी सी डी ए, ठीक है। डायग्राम सबको क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे आपका कौन सा कंसेप्ट काम आएगा, एलांग जो वाई एक्सिस वाला, विद रिस्पेक्ट टू, कल बात बताया था ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब आप यहाँ पे स्मॉल स्ट्रिप ले लो, किसके एलांग, ये वाई एक्सिस के एलांग, ठीक। तो जैसे आप वाई एक्सिस के एलांग लोगे, कल हम लोग ये कंसेप्ट सीख चुके हैं, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या ले लोगे डी वाई, इसकी ब्रेथ ले लोगे, और इसकी लेंथ क्या ले लेते हैं, यहाँ पे ये एक्स ले लेते हैं। सपोज रिक्वायर्ड एरिया हम क्या ले लिए, ए ले लिए। आप लोग लिख लेना लेट रिक्वायर्ड एरिया बी, लेट रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ए बी सी डी बी ए। तब इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल टू, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये बन जाएगा एक्स इंटू डी वाई, क्योंकि किसके एलांग ले रहे हैं हम लोग, एलांग वाई एक्सिस के। और कल हम एक ट्रिक भी बताए थे कि आप कैसे देखोगे कि x एक्सिस के एलांग लेना है y एक्सिस के, कल ये कंसेप्ट बताया था ना कि जिसके जिस एक्सिस के एलांग ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होगी वही एक्सिस क्या करोगे, जनरली हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका y एक्सिस के एलांग होगा। अब चलो x इंटू डी वाई, अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लो, तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4y, ऐसे लिख लो अंडर रूट 4y डी वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या गिवेन है, 4y है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 4y। लिमिट क्या होगा आपका, लिमिट हो जाएगा 2 to 4, 2 को बाहर कर लो, और फिर आपका क्या हो जाएगा वाई टू दी पावर 1/2, और ये 2 डी वाई 2 to 4, और ये 2 हो जाएगा, और इसको करोगे तो वाई टू दी पावर 3/2, और ये भी आपका 3/2, और ये आपका क्या हो जाएगा 2 to 4, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, और ये हो जाएगा 4/3/2 माइनस 2/, क्या हो गया 3/2। सेम कैलकुलेशन, इसके पहले वाले में भी यही कैलकुलेशन आया था सेम, यहाँ पे भी वैल्यू लिख लो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 4/3 8, और ये आपका क्या हो जाएगा 2√2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 32, और क्या हो जाएगा 32 4 2 8 2/3, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर यूनिट। ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन ये हुआ, ठीक है। कंप्लीट हो जाए तो फिर बताओ, हो गया कंप्लीट? यस सर। चलो आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलो राइट डाउन करो क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है, बाउंडेड बाय द इलिप्स, बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ठीक। चलो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बना लो, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और ये आपका क्या हो गया ओरिजिन, ये आपका क्या बन गया डायग्राम, ठीक है। कल सेम यही क्वेश्चन हम लोग किए थे, जो एग्जांपल हम लोग कल डिस्कस किए थे सेम ऐसे ही था, बस डिजिट चेंज था। अब यहाँ पे आपने पहले इसका क्या लिख लोगे कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4,0, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट, ये इसका कोऑर्डिनेट ले लिया 4,0, ये क्या हो जाएगा
मान लो इसको लिया हमने A1, ये लिया A2, A3 और A4, तो ये चारों क्या हो जाएंगे यहाँ पे, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू A4। ठीक सर, ए कॉमा जीरो लेते हैं इम्पोर्टेंट। क्या बोलो सर? पॉइंट्स ए कॉमा जीरो लेते हैं तो 4, 0। तो 4 यहाँ पे दे रखा है ना, जब वो क्या होता है, जब ये होता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तब हम यहाँ पे ए लेते हैं, और ए की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है, 16 दे रखा है। तो 16 की जगह क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या ले लेंगे, 4। क्लियर हुआ सौरभ? यस सर। चलो तो अब देखो, कल भी ये कंसेप्ट सीखे थे हम, एक का एरिया निकाल के, तो रिक्वायर्ड एरिया, ये रिक्वायर्ड एरिया हम क्या ले लें, ए, तो ये क्या ले लोगे, ए इक्वल टू 4A1। ठीक है, मेन ये सब समझने के लिए एक का एरिया निकालोगे और उससे क्या करोगे, अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम ये वाला रीजन ले ले रहे हैं OAB। तो पहले हम किसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द रीजन OAB। ठीक है, इस रीजन का हम एरिया पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो इसके लिए क्या करो, यहाँ पे स्मॉल स्ट्रिप ले लो, ऐसे स्ट्रिप हर क्वेश्चन में आपने ज़रूर बनाना है। स्ट्रिप आप जैसे बनाए, यहाँ पे dx हो गया और ये लेंथ क्या ले लेते हो, y, तब लिख लो। अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं a इक्वल टू 4, लिखोगे ना, 4A1 है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, a इक्वल टू 4A1 और A1 की जगह आप यहाँ पे लिमिट क्या लोगे, 0 टू क्या हो जाएगा ये 4, ये हमने लिया 0 टू 4 और आपका क्या है, ये ydx है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू क्या है, 1 है। वैल्यू किसकी बतानी है हमको, y की, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके y की वैल्यू बता दो, ये वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, अपान 16। ठीक है, और फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका 16 माइनस एक्स स्क्वायर और अपान आपका क्या हो जाएगा, ये 16। नेक्स्ट स्टेप में लिख लो वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 9 अपान 16 और ब्रैकेट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट डाउन कर लो सब लोग। ठीक है, चलो अब ये वैल्यूज़ को लाके अब हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ए इक्वल टू 4 इंटू आपका जो है 9 अपान 16 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं सीधे, तो ये हो गया आपका 9 अपान 16 0 टू 4। ठीक, और इंटीग्रेशन, ठीक है, और इंटीग्रेशन देखो ये एक्चुअली वाई की वैल्यू, हाँ ठीक है साक्षी, ये अंडर रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 अपान 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू लिख लो, हम लोग यहाँ पे एक्चुअली y स्क्वायर की वैल्यू लिख रहे थे, लिखना क्या है y की वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा 3 अपान 4 और अंडर रूट में 16 को क्या लिख लोगे, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो देखो हम बार बार बोल रहे हैं कि ये आपका क्या आ जाता है, कल भी हम लोग किए थे, तो एक्चुअली जब आप इसको कन्वर्ट करते हो, ये वाला ही फॉर्म है आपका, ये किस फॉर्म का आ जाता है, ये एक्चुअली आता है b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का आएगा, जब भी आप इसको कन्वर्ट करोगे। ये सारी आप प्रैक्टिस किए रहो ताकि एग्ज़ाम में इस कैलकुलेशन से बचोगे, ठीक है, नहीं तो ये भी टाइम टेकन होता है। चल आप देखो, यहाँ पे आपका ये आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आपका 3 हो गया, और अब यहाँ पे हम डायरेक्ट अब क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब तो अब बताओ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू की जगह पे ये लिख लो, क्या लिखोगे, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, फिर क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर बाई टू, तो ए स्क्वायर बाई टू 16 बाई टू, और फिर आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपान क्या हो जाएगा, ए। ठीक,
बताओ किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? यही होता है ना फार्मूला, फार्मूला यही होता है ना। यार चलो आप लिमिट ले लो, लिमिट क्या है 0 to 4, ठीक है, आप लिमिट पुट कर लो, सॉल्व कर लो इसको। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 3, आपका क्या हो जाएगा? अब पहले क्या लोगे, 0 to 4 जा रहा है ना, यहाँ पे 4 पुट करो, तो जैसे आप 4 पुट करोगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 16 minus 4 square, ये 16 minus 16 क्या हो जाएगा, 0, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक। प्लस आप देखो ये 16 by 2 की है, तो ये 8 sin inverse, अब x की जगह 4 करोगे ये 4/4 हो गया, ठीक। माइनस अब 0 पुट करो, तो जैसे आप 0 पुट करोगे इस वाले में तो ये 0 ही हो जाएगा। और प्लस अब देखो 8 और sin inverse 0/4 ये हो गया, ठीक। ये तो पूरा पोर्शन आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये वैल्यू देख लो 3, और आपका क्या हो जाएगा 8 sin inverse 1, और साइन इनवर्स 1 की जगह आप क्या लिख लोगे, पाई बाई टू। तो ये 3 into 8 into π/2, 2 से ये गया 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 12π। राइट डाउन कर लो, आपका यही क्या हो जाएगा 12π, ठीक। और एक चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या छोड़ रहे हैं, यूनिट, ये लिख लो स्क्वायर यूनिट, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और जिसका जिसका कंसेप्ट बन गया होगा वो तो लग रहा होगा कि टाइम पास हो रहा है, ये सब अपने से ही कर लेंगे हम, ठीक है। लेकिन उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा जिन्होंने अच्छे से इसको नहीं किया है, ठीक। चलो रख कर दें, चलो वेरी गुड, बोल दिया करो तुम लोग जैसे कंप्लीट हो जाए। अब देखो आपका नेक्स्ट, अब इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स आपका ये दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 = 1। तो देखो होमवर्क देने का यही पर्पस था कि आपका क्या हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर अपॉन, अब इसका क्या करो, डाइग्राम बना लो। अब ये किस एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा, आस्था बता दो, आस्था ये किस एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा इलिप्स, अब एक्स की वाई सर, वाई एक्सिस, ओके चलो वेरी गुड। अब ये बना लो इलिप्स, यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा, ठीक बन गया इलिप्स। सेम वही कंसेप्ट, ये अगर लेते हैं A1, ये A2, A3, A4, सारा एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बिकॉज पता करें कि x एक्सिस से बनेगा कि y एक्सिस से बनेगा, ये कौन सा बड़ा है, दोनों में देखोगे कि कौन सा डिजिट बड़ा है, 4 है कि 9 है, 9 तो किस एक्सिस के अलॉन्ग चला जाएगा, जो मेजर एक्सिस होगा उसी एक्सिस के अलॉन्ग क्या बन जाता है, इलिप्स। होमवर्क नहीं कंप्लीट किए थे क्या सौरभ इलिप्स का? चलो अब क्लियर हो गया ना, जो भी बड़ा रहेगा उसी एक्सिस के अलॉन्ग ये बन जाता है, क्लियर हुआ सौरभ? हाँ, सिंपल सा लैंग्वेज, सिंपल। उसमें यहाँ पे भी क्या करोगे, सिमेट्री अबाउट एक्सिस, ठीक। अब क्या करोगे, एक का एरिया निकाल लो और फिर क्या कर दोगे, एक का एरिया निकाल के क्या कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसके लिए यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट लिखोगे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2, 0, ठीक है। क्या ले लोगे, 2, 0। अब यहाँ पे भी एक स्ट्रिप जरूर दिखाना भाई, एग्जाम में भूलना नहीं है, ठीक है। ये मिस्टेक बच्चे करते हैं, हम लोग नहीं करना, तुम लोग नहीं करोगे, हमारे बच्चे कभी नहीं करते हैं। ये dx हो गया और ये क्या ले लिए, y ले लिए। अब लिख लो कि डायरेक्ट लिख रहे हैं, एरिया को हम 4 से डिनोट, a इक्वल टू ले लिए, तो a इक्वल टू क्या ले लो, 4a1, ठीक।
सीधे लिख सकते हो कि लेट एरिया ऑफ इलिप्स बी ए, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4a1। ठीक, तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, लिमिट ले लो 0 to 2 और आपका ऐसे लिख लो वाई डी एक्स 4 0 to 2। अब यहाँ पे भी आपने किसकी वैल्यू बतानी है, वाई की वैल्यू बतानी है, तो वाई की वैल्यू बता दो क्या आएगी डायरेक्ट, अभी हम लोग लिख रहे थे ना 3/2 होगा ना, क्या फार्मूला लिखे थे हम लोग, उसी को अप्लाई कर दिए डायरेक्ट, और अंडर रूट क्या हो जाता है आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमारा क्या लेंगे, यही लेंगे, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। चेक कर लेना अभी वैल्यू पुट करके, चेक करो जल्दी एक मिनट के अंदर, यही आएगा 3/2 और ये आपका यहाँ पे देखो 4 छूट रहा है अभी हम लोग का, 4 × 3/2 अंडर रूट, ठीक है 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, अब ये 2 से 2 ये कैंसिल करो, 2 3 जा 6 अंडर रूट। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है x by 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर क्या होता है प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो 4/2 साइन इनवर्स x/2 0 to 2। ठीक है, ये 6, यहाँ पे अब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2 वैल्यू पुट करोगे तो 2 जैसे करोगे तो ये 2 स्क्वायर ये आपका 0 हो जाएगा, 4 अब ये हो जाएगा 4/2 किए तो ये 2 और साइन इनवर्स हम डायरेक्ट लिख दिए 1 और बाकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, अभी हम लोग 2 2 3 3 इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए, टाइम पास नहीं करो, बाकी 0 भी जब पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाता है, और साइन इनवर्स 1 π/2 तो 6 × 2 × π/2 कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 6π² यूनिट कंप्लीट कर लो। ओके, तो अब देखो हमें जो रीज़न मिल रहा है, हमें ये वाला रीज़न मिला, देखो एक तो ये हो गया आपका, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक, ये आपका सर्कल भी कॉमन हो गया और आपका ये लाइन का इक्वेशन, इसका मतलब हमें इस पोर्शन का क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक है, अब देखो इस पोर्शन का एरिया बताने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम करोगे कि आपको यहाँ पे एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन क्या करना पड़ेगा, ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, और करेंगे क्या, एक रीज़न हमको ये मिल गया, मान लो कि ये आपका A1 है और दूसरा रीज़न क्या है A2 है, हमें जब ये पूरे रीज़न का एरिया बताना पड़ेगा तो एक बार हम A1 का एरिया निकालेंगे और फिर A2 का, दोनों को अपन क्या कर लेंगे ऐड कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे ये राइट डाउन कर लो, लेट रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ए, रिक्वायर्ड एरिया होल रीज़न को हमने क्या ले लिया है, ए ले लिया, तो आप इस ए को राइट डाउन कर सकते हो A1 + A2, तो हम A1 का एरिया निकालेंगे और A2 का एरिया निकालेंगे। तो देखो जब आप A1 का एरिया निकालोगे तो सबसे मेन पॉइंट है कि हमें इसका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, और आप इसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए आप देखो इस वाले लाइन के इक्वेशन x = √3y और x² + y² = क्या है आपका 4 है, इन दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, और सॉल्व करके एक चीज़ ये भी ध्यान देना कि हमें बस x कोऑर्डिनेट से मतलब है, तो हम x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लें, तो x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करो, इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो, तो y = क्या हो जाएगा x/√3। चलो वैल्यू पुट करो तो ये x² + x² / 3 = 4 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 3 और ये 4 x² दिस वन 4 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आया x² = 3 इम्प्लाइज दैट x = आपका क्या आ जाएगा √3। ठीक, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया आपका √3। क्लियर है, तो अब हम इस A1 वाले रीजन का एरिया बताएंगे, ये A1 का बता रहे हैं, तो A1 के लिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा
जीरो टू वन, और यहाँ पे आपने क्या करना होगा, स्मॉल स्ट्रिप लेना होगा, लोगे ना स्मॉल स्ट्रिप, तो यहाँ पे क्या लिखते हो, हमेशा ये एक्स एक्सिस पे है तो ये डी एक्स हो जाता है और ये आपका वाई डी एक्स हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है। ठीक, तो अब सीधे हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर दो इंटीग्रेशन जीरो टू अंडर रूट थ्री। अब देखो ये किससे बाउंडेड है, आपका ये लाइन के इक्वेशन से बाउंडेड है, तो आपने क्या लिखना है, लाइन के इक्वेशन में आप y dx लिखोगे तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा x अपान अंडर रूट थ्री डी एक्स। क्लियर है, सिंपल सा फंडा। ओके नेक्स्ट, अब आपने a2 की वैल्यू बतानी है, a2 मतलब इसका एरिया, तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, एक स्मॉल स्ट्रिप लेना होगा, ये भी y dx का केस बन रहा है, तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, आप देखो यहाँ पे अंडर रूट थ्री टू क्या हो जाएगा, ये आपका टू हो जाएगा। ठीक है, लिमिट सिंपल सा दिख रहा है, तो अंडर रूट थ्री का मा टू। अब ये किससे बाउंडेड है, ये आपका सर्कल के इक्वेशन से ये बाउंडेड एरिया बन रहा है, ये हमेशा ये इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, ये वाला रीज़न आपके लाइन के इक्वेशन से बन रहा है और ये किससे बन रहा है, सर्कल के इक्वेशन से बाउंडेड है। तब यहाँ पे y dx पुट करोगे तो y इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू पुट कर लो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो राइट डाउन कर लो अंडर रूट टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया। और हमको क्या करना है, अब इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करके और वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, चलो अब देखो इसको आप सॉल्व करो, हम यहाँ पे ये ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, कायदे से तो इसके जस्ट नीचे लिखना चाहिए लेकिन स्पेस कम है, तो ये हो गया आप वन अपान अंडर रूट थ्री को बाहर ले लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान टू जीरो टू अंडर रूट थ्री प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन किस फॉर्म का हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का, तो फार्मूला आपका होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पे आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, ये हो गया टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल सा है फार्मूला ए स्क्वायर बाई टू, ए मतलब क्या है टू है, तो टू का स्क्वायर करोगे तो फोर, आपका क्या हो जाएगा ये फोर बाई टू, और आपका ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स एक्स बाई आपका क्या हो जाएगा ये टू हो जाएगा। ठीक, चलो ये इतनी वैल्यू हो गई, अब लिमिट ले लो, ये आपका क्या है लिमिट अंडर रूट थ्री टू, ये क्या है आपका टू हो गया। ठीक है, चलो अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है, ये आपका हो जाएगा वन अपान अंडर रूट थ्री हो जाएगा, और ये चाहो तो इंटू टू ले लो, एक्स स्क्वायर को करोगे तो अंडर रूट थ्री का ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस। अब देखो यहाँ पे आपने लिमिट सॉल्व करना है, तब जहाँ जहाँ x है पहले इक्वेशन में आप क्या पुट कर दो, 2 पुट करोगे, तो एक चीज़ देखो जैसे आप 2 ला के यहाँ पे पुट करोगे x की वैल्यू, तो ये 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 ही, यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0, इसको लिख कर छोड़ दे रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या लिख लो आप, 4 अपान 2 तो ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 अपान 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया वन, ये वैल्यू हो गई। ठीक, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, अब माइनस का साइन ले लो। ठीक है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं, अब माइनस का, अब आपने जहाँ जहाँ क्या करना है, एक्स है एक्स की जगह पे क्या पुट कर दो अंडर रूट थ्री, ये आपका हो गया अंडर रूट थ्री बाई टू, और ये ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट थ्री का स्क्वायर कर ये टू स्क्वायर तो फोर हो जाएगा, और 4 माइनस आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये ऐसे लिख लो प्लस का साइन 4 अपान 2 और साइन इनवर्स ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई 2, ध्यान से देखना सिंपल सा है कैलकुलेशन, इसी को अपन साफ कर रहे हैं। अब देखो ये आपका अंडर रूट 3 स्क्वायर करोगे तो ये 3 हो जाएगा, तो एक्चुअली एक से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, तो आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट थ्री बाई टू और प्लस टू साइन इनवर्स वन, इसको क्या लिख लोगे, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी टू इंटू पाई बाई टू। ठीक है, और माइनस, ठीक है, माइनस आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर आपका ये क्या हो जाएगा अंडर रूट थ्री बाई टू और प्लस
टू साइन इनवर्स, इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, टू साइन इनवर्स अंडर रूट थ्री बाई टू, कितने डिग्री की वैल्यू होगी ये आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी आएगी टू इंटू पाई बाई थ्री, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इतना राइट डाउन कर लो। नेक्स्ट स्टेप, अंडर रूट थ्री बाई टू प्लस, ये टू से टू कैंसिल आउट हो गया, अब ये पाई माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू और आपका माइनस टू पाई बाई थ्री। ठीक, अब इसी को आप सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, अब देख लो यहाँ से। ठीक है, देख लो, देखते हैं, अंडर रूट थ्री बाई टू और प्लस, ठीक है, अब ये पाई बाई टू तो थ्री में से ये जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, थ्री पाई माइनस टू पाई, ये आपका हो गया पाई बाई थ्री माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू। ये यहाँ तक राइट डाउन कर लो। ठीक है, ओके, आप देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे आप ब्रैकेट खोलोगे ये और ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे जो सॉल्व किया वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई थ्री, देख लो इसको वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई थ्री, और इसी को आपने लिख देना है स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ओके, बिफोर, तो ये था हमारा पूरा ये क्वेश्चन नंबर 6, इजी क्वेश्चन था, बस समझने वाली बात यहाँ पे थी। हाँ, एक क्वेश्चन में आप इस चीज़ को गांठ बांध लो कि कभी भी ये आप मिस्टेक नहीं करोगे। जनरली जैसे ही हमको ये राइट एंगल ट्रेंगल मिलता है, ठीक, बच्चे तुरंत इसमें मिस्टेक करते हैं, करेंगे क्या, बेस इनटू हाइट, यहाँ से देख लेंगे इसकी लेंथ पता है, ठीक है, अंडर रूट थ्री और अपन हाइट, इसका ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, तो बेस इनटू हाइट अपन टू करते हैं। अगर आपने ये किया तो इसका नंबर कट के जीरो, तो मतलब अगर ये 6 मार्क्स का है तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3, क्योंकि इसका गलत है, बाकी तो आपका ये सही है, पूरा प्रोसेस सही है। हो सकता है कि आपको 5 में 3 भी मिल जाए, 4 भी मिल जाए, लेकिन फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ये गलत स्टेप होता है, तो ये कभी भी आपने मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, ओके ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, एरिया बिटवीन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, और क्या दे रखा है आपका, एक्स इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स बाई द लाइन एक्स इक्वल टू ए, बाई द लाइन एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कल तक जितने क्वेश्चन किए थे उससे थोड़ा सा ये हट गया है, लेकिन प्रोसेस पूरा वही है। पहले स्टेप में हम लोग करेंगे क्या, डाइग्राम बनाएंगे, सब लोग साथ साथ डाइग्राम बनाते चलो। एक्स एक्स डैश, ये आपका हो गया वाई, और ये ले लो वाई डैश, और आपका क्या हो गया, ओरिजिन। ठीक है, आपका क्या दे रखा है, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, आपने ये बना लिया, ये हो गया आपका एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, और क्या दे रखा है आपका, एक्स इक्वल टू 4, क्या दे रखा है आपका, एक्स इक्वल टू 4, सपोज कर लो ये आपका 4 है, ये एक लाइन ऐसे बना लो, ये हो गया आपका एक्स इक्वल टू 4। ठीक, ये हमको एरिया पहले तो इतना ये है ऐसे, ठीक, किसके किसके बीच में, आपका है ये जो पैराबोला का इक्वेशन है और एक्स इक्वल टू 4 के बीच का जो एरिया बन रहा है ये कह रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ और दे रखा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी पे आपकी एक लाइन है एक्स इक्वल टू ए, यहाँ पे इसको ये ड्रा कर लो, ये है यहाँ पे, ये ए हो जाएगा, और ये ध्यान देना आपका क्या है, 4 है। ठीक, एक्स इक्वल टू ए जो है क्या कर रही है, इस एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, इन पूरे एरिया को क्या कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। यहाँ तक क्लियर है ना, तो सपोज इस वाले एरिया को आप ले लो ए वन, कि कौन से एरिया को, इस वाले, चाहो तो इसका नाम लिख लो ओ ए बी सी, तो कंसीडर कर लिए एरिया आप ओ ए बी सी ओ
बी ए वन लिख लो, लेट लेट एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ इक्वल टू आपने लिया ए वन, ठीक है। और जो फुल एरिया है पूरा इसको ले लो, ये मान लो कि नाम लिख लो डी ई आपका एफ हो गया, लिख लो एरिया ऑफ ओ ओ ऐसे लिख लो, पूरा नाम लिख लो ओ ए डी, फिर लिख लो ई एफ सी ओ, ठीक है, इक्वल टू ए, ऐसे भी लिख सकते हो या शार्ट में ये नाम ऐसे भी लिख सकते थे। इसको क्या ले लिए, ए ले लिए मेन, इसको समझो जो बड़ी वाली एरिया है इसको किससे डिनोट कर लिए आप, ए से। तो यहाँ पे ये रिलेशन दे रहा है कि जो छोटा वाला एरिया है इसको दो पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। तो यहाँ पे हमको एक रिलेशन डिवाइड हो गया, डिफाइन हो गया, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू ए वन होगा ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट, क्लियर है ना, ए इक्वल टू टू ए वन, सही है ना, बोलो। यस, ठीक। अब चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अब सबसे पहले आप फाइंड कर लो ए की वैल्यू, आपने क्या क्या फाइंड आउट कर लो, ए की वैल्यू, तो ए इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो आप करोगे क्या, इस वाले का बड़े का एरिया निकालने के लिए जैसे हम लोग करते थे, यहाँ पे आप कंसीडर कर लो एक स्मॉल स्ट्रिप, ठीक, ये डी एक्स लेते थे, इसको वाई ऐसे ले लेते थे, तो ये हो जाएगा वाई डी एक्स, पूरे हम पैराबोलिक जो ये बन रहा है पूरा एरिया निकाल रहे हैं, इसकी लिमिट क्या होगी, पहले जीरो टू फोर, ध्यान से देखना जीरो टू फोर, बट एक चीज़ ध्यान देना, एलिमेंट्री ये जो ले रहे हैं इसके थ्रू सिर्फ हम ऊपर वाला एरिया निकालेंगे, और होल का एरिया निकालने के लिए टू से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। सिमेट्री अबाउट क्या है आपका, एक्स एक्सिस है, सेम वही कंसेप्ट यूज किए, ये हमारा एरिया किसका मिलेगा, पूरा ए का, इसको आप निकाल लो, तो जीरो टू फोर, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे, अंडर रूट एक्स डी एक्स, ठीक, तो टू, और ये हो जाएगा ये एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू, और ये आप लिख लो टू बाई क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू, और ये जीरो टू फोर, ठीक, तो टू इंटू टू बाई थ्री, और इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू, नहीं सॉरी फोर टू दी पावर आपका क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू, और जीरो पावर थ्री बाई टू। चलो बता दो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉल्व कर लो, ये फोर अपान थ्री इंटू, आप इसको लिख सकते हो टू पावर टू इंटू थ्री बाई टू, यही आपका कैंसिल हो जाएगा, टू टू जा फोर टू जा एट, और फोर जा थर्टी टू अपान थ्री, राइट डाउन कर लो थर्टी टू अपान थ्री, और यूनिट लिख लो स्क्वायर यूनिट, ठीक। तो हमारी वैल्यू किसकी आ गई, ए वन की आ गई, सब लोग राइट डाउन कर लो यहाँ तक, ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया ए वन की, ठीक है। अब चलो इसको हम रफ कर दे रहे हैं, सबका हो गया है ना यहाँ तक, आप लिखाओ, ये वैल्यू हमको मिल गई, ए की वैल्यू मिली है, ठीक है, ए इक्वल टू यहाँ पे आ गया है, राइट डाउन कर लो थर्टी टू अपान थ्री इक्वल टू आपका क्या है, टू ए वन। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्या, ए वन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो अब यहाँ पे राइट डाउन कर लो ए वन इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो लिमिट क्या हो जाएगा, जीरो टू ए होगा ना, क्योंकि तो यहाँ पे ये यह कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है आपका, ए कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो ये हो गया जीरो टू ए, तो ये वैल्यू पुट कर लो आप जीरो टू ए, ठीक। अब यहाँ पे भी आपने एक स्मॉल स्ट्रिप ऐसे दिखा देना है, ठीक, सेम वही कंसेप्ट वाई डी एक्स, ठीक, और यहाँ पे भी एरिया क्या है, सिमेट्री अमाउंट एक्स एक्सिस है, फिर इससे क्या करोगे, टू से मल्टीप्लाई यहाँ भी आपका होगा, तो टू जीरो टू ए, और y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सेम वही अंडर रूट एक्स डी एक्स, ठीक है, तो टू, और आपका क्या हो जाएगा, टू अपान थ्री, और x टू दी पावर थ्री बाई टू, और जीरो टू फोर, ठीक, मल्टीप्लाई कर लो टू इंटू टू बाई थ्री, और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये a है, हम इसको फोर ही लिख रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा इंटू, अब x टू दी पावर ये a अपॉन टू हो जाएगा, ठीक, सॉरी यार,
ये देखो एक्स की जगह रिप्लेस कर लो ए पावर 3/2, और ये तो जीरो है तो इसको छोड़ दो, ऐसे जीरो ही हो जाएगा। अब ये राइट डाउन कर लो 4/3 इंटू ए पावर 3/2 स्क्वायर यूनिट, इसको लिख लो। हो गया 4/3 ए टू द पावर 3/2 स्क्वायर यूनिट। यहाँ तक सबका कंप्लीट हो गया, आस्था हो गया बेटा? यस सर। चलो सर, अब ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर दो। ये वैल्यू आपकी क्या आई है, 4/3 इंटू ए टू द पावर 3/2, और ऑलरेडी आपका यहाँ पे क्या है 2, तो 2 इंटू ये हो जाएगा। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लो, 3 से 3 कट जाएगा, और इसको करोगे तो 4 8 2 4 जा, ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा 4 = ए टू द पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आप ए की वैल्यू बतानी है, तो a = ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट डाउन कर लो, 4 to the power क्या हो जाएगा 2/3। ओके वेरी गुड, a = 4 to the power 2/3 यूनिट्स, ऐसे लिखोगे। ठीक है, यही हमसे फाइंड आउट करा रहा था, क्वेश्चन सिंपल था, बस थोड़ा सा इसमें ये एडिशनल कर दिया था कि ये इस एरिया को दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। हो गया कंप्लीट सबका, साक्षी हो गया बेटा? यस सर। चलो आप देखो नेक्स्ट पे आएंगे हम लोग। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर अब 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कह रहा है, इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन लिख लो, पैराबोला y = आपका यह है x² एंड y = मॉड एक्स, ये आपका गिवेन है। ठीक है, चलो सिंपल सा फंडा, क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप डायग्राम बनाते हैं सब लोग, ठीक, साथ साथ बनाते चलो। ये हो गया आपका एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, और आपका ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब देखो हमारा क्या है, y = x² ये आपने बनाया y = x². चलो बना लो, राइट डाउन ऐसे कर लेते हैं y = ये x², और सेकेंड क्या है आपका y = mod x, तो mod x का भी ग्राफ बना लो, ये बनेगा और ये बनेगा। ठीक, ये हो गया y = mod x, ये भी आपने लिख लिया y = mod x। चलो राइट डाउन कर लो, इतना ग्राफ बना लो। अब देखो हमें क्या बताना है, अब इससे जो एरिया बाउंडेड हो रहा है दैट मीन्स हमको ये बताना है, दिस वन और ये। ठीक है, तो करोगे कैसे, एक का एरिया निकाल के उससे 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, इसीलिए हम लोग सिमेट्री पढ़े थे शुरू में। आपने करना क्या है, एक जो बाउंडेड एरिया है उसको निकालोगे और फिर 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसका नाम ले लो ओ ए, ठीक है, ऐसे बी, ऐसे अपना नाम ले लो जो भी है। ठीक, अब चलो अब लिख लो, मान लो कि इसके एरिया को हम डिनोट कर रहे हैं ए से। ठीक, अब यहाँ पे लिखो रिक्वायर्ड एरिया = आपका क्या हो जाएगा 2a। हम इकट्ठे दोनों के लिए लिख देंगे कि हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या है, 2a होगा। हम एक एरिया को a कंसीडर, ये भी a है, आपका ये भी क्या है, a ही होगा। हम एक का एरिया फाउंड आउट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, जिसको हमने लिख दिया रिक्वायर्ड एरिया = 2a। अब चलो, अब ये बात हो रही है, अब हम इसको छोड़ के सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। अब हमें ये वाला एरिया बताएंगे कैसे, हम
तो इसका एरिया बताने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन मान लो कि यहाँ लिख लो सी ड्रा करोगे, ठीक। जब आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करोगे तो हमें सबसे पहले ये इस वाले रीजन का एरिया मिलेगा ओ ए सी का, ठीक मिल जाएगा एरिया ऑफ द रीजन ओ ए सी। इसमें से आप क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ इसका बताना है, तो हमें इस वाले एरिया को जो नीचे का एरिया है इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हुआ सबका? एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये पूरा एरिया निकालोगे और इस एरिया में से जो नीचे वाला एरिया है इसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो जैसे आप देखोगे एरिया ओ ए सी, एरिया आप ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तुरंत मन में तुरंत यहीं पे वो आता है लालच कि क्या करें, बेस इनटू हाइट अपॉन टू कर लें, नहीं गलत, जीरो नंबर उस पर मिलेगा, आपने वही कंसेप्ट यूज करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया आप लिख लो यहाँ पर डायरेक्ट, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू टू इंटू, ठीक, हम एक ही साथ कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहली बात कि हमें इसका पहले तो क्या मालूम होना चाहिए, कोऑर्डिनेट। अब कल ही हम लोग सीखे थे कि अगर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो लाइन और कर्व दोनों के इक्वेशन को आपने क्या करना है, सॉल्व कर देना है। एक है यहाँ पे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई इक्वल टू क्या है, एक्स है, सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं, सिंपल सा, ये तभी वन और कामा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, ये वन कामा जीरो, ठीक। तब लिखो रिक्वायर्ड एरिया, ये पहले लिख लो जीरो टू वन, क्लियर है ना, जीरो टू वन। और इसके बाद से हम इस लाइन से जो बाउंडेड एरिया बनेगा पहला वाला जो बड़ा एरिया निकलेगा हम उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो अगर हम इसको लिखें वाई डी एक्स, तो लाइन का इक्वेशन यहाँ पे क्या लिखोगे, वाई इक्वल टू आपका क्या है, एक्स है, राइट डाउन कर लो एक्स होगा। अब इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, किस वाले एरिया को, ध्यान से देखना, अब जो ये नीचे वाला पोर्शन बना है, ठीक, ये वाई डी एक्स, अगर इस वाले एरिया को अगर आपने लिखा वाई डी एक्स, ये किससे बाउंडेड है, जो पैराबोला का इक्वेशन है, तो y इक्वल टू क्या है, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हम यहाँ पे सीधे ऐसे लिख देंगे x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, टाइम बचाने के लिए, ठीक है, एग्जाम में एक एक सेकेंड कीमती होता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू टू इंटू जीरो टू वन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फर्स्ट टाइम कर रहे हो थोड़ी सी झिझक होगी, लेकिन दो चार बार कर लोगे तो तुम लोग भी ऐसे ही समझने लगोगे चीज़ों को, ठीक। अब इसको क्या करो, सॉल्व कर लो, ये हो गया आपका टू, इसको करोगे एक्स स्क्वायर अपान टू और माइनस क्या हो जाएगा, एक्स क्यू अपान थ्री, और ये आपका हो जाएगा जीरो टू वन, ठीक है। अब इसी को आप लोग क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो पहले आप यहाँ पे ये ले लो टू, तो ये हो जाएगा वन लोगे तो वन अपान ये क्या हो जाएगा टू, और माइनस क्या हो जाएगा वन अपान थ्री, और जब जीरो के केस में लोगे ये तो ये हो जाएगा और माइनस ये जीरो ही हो जाएगा, यहाँ भी जीरो, तो ये जीरो ही हो जाएगा। अब इसी को आप सॉल्व कर दो, वन माइनस टू माइनस वन अपान ये, तो वन इंटू क्या हो जाएगा आपका वन बाई सिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे ये वन अपान थ्री स्क्वायर यूनिट, यही आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, कर लो। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कर लो इसको। और एक चीज़ और ध्यान देना कि जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा फिर हम आप लोगों को एक ये भी बताएंगे शॉर्टकट टेक्निक, ये एरिया कैसे बताओगे एक सेकंड के अंदर, ठीक है, बस फिगर देखोगे ये दिया विद इन सेकंड आप तुरंत आंसर बता दोगे, लेकिन वो एग्ज़ाम में अप्लाई मत करना, उस पर जीरो नंबर आपको मिलेगा। वो कहाँ अप्लाई किया जाता है, जैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव रिलेटेड जब हाँ वहाँ जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप वहाँ पर अप्लाई करके ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, या फिर आपको अपना आंसर चेक करना है। तो है इसमें कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, उसको लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।
अच्छा हो गया सबका ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। ठीक ये दे रहा हूँ। चलो तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दो कर्व दे रखा है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब दोनों से बाउंडेड हमको क्या बताना है, एरिया बताना है। सबसे पहले वही कंसेप्ट हम इसका क्या करें, ग्राफ प्लॉट करें, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये प्लॉट कर लो, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, पहला ग्राफ ये ओरिजिन से टच करते हुए जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 4y। ठीक है अब देखो नेक्स्ट आप क्या ग्राफ प्लॉट करना है, एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2। अब या तो इसको प्लॉट करने का तरीका है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में चेंज कर लो, या फिर x अपान ए प्लस y अपान बी के फॉर्म में इक्वल टू 1, ये सब ग्राफ हम 11th में भी आप लोगों को सिखाए हैं, वैसे कर लो। सपोज ना आप वो फॉर्म भी भूल गए तो हम एक दूसरी टेक्निक बता रहे हैं, अगर आपका टेढ़ा मेढ़ा भी ग्राफ होगा तो आप रफली उसको डायग्राम को बना सकते हो। चलो सबसे पहला काम कि हम दोनों इक्वेशन को हमें तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ भी ये कट करेगा उसका हमें इंटरसेक्शन पॉइंट क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसी टेक्निक से हम ग्राफ सीखते हैं। अब चलो इसका हम कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे, ये एक्स की वैल्यू 2 आ गई, अच्छा एक्स की वैल्यू माइनस 1, ये हुआ आपका 4y माइनस 2। ठीक है अब वैल्यू पुट कर लो, इसको यहाँ पे हम ले जाएंगे तो 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका 4y हो जाएगा, ये 16y स्क्वायर प्लस 4 और माइनस आपका 16y, ये 4y हो जाएगा। ठीक है आप यहाँ से 4 को कॉमन ले लो तो 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y माइनस ये प्लस y हो जाएगा, आप इसको आप इधर ले आओ तो 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका आ जाएगा। ठीक है अब इसका आप क्या करोगे, फैक्टर कर लो तो ये क्या हो जाएगा आपका, y माइनस 1 और आपका y माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका फैक्टर चेक कर लो, यहाँ से y इक्वल टू आपका 1 और 1/4, ओके वेरी गुड, y इक्वल टू 1/4 एंड ये 1 आ गया। ठीक है अब चलो जैसे हमें y की वैल्यू मिल गई, अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके बता दो क्या आएगा, x की वैल्यू 2 और माइनस 2 किसके साथ आ रहा है, 1/4 के साथ, 1/4 के साथ माइनस 1। हाँ तो ये सीक्वेंस भी ध्यान देना, ये माइनस 1 और ये क्या रहा है 2। यस सर। चलो ये कोऑर्डिनेट सब लोग लिख लो, माइनस 2 और ये आ गया आपका। ठीक है अब देखो तो हमें दो पॉइंट मिल गए, कौन कौन से मिल गए, अब इसको लिख लो माइनस 1, 1/4 ये दोनों एक साथ और फिर आपका क्या हो जाएगा 2, 1। अब देखो अब वैल्यू फाइंड आउट करने ग्राफ प्लॉट करने का सबसे बेस्ट तरीका, एक है -1, 1/4 तो -1 कहीं यहाँ पे आओगे तो 1/4 आपको ये कहीं पॉइंट मिलेगा। ठीक है तो एक पॉइंट ये मिल गया, फिर आपका क्या है 2 कहीं यहाँ पे होगा और ये मान लो ये 1 यहाँ पे कहीं कट करेगा तो हमारी जो लाइन बन जाएगी कुछ ऐसे बनेगी, बना लो और यहाँ पे ये लिख लोगे -1, 1/4 और आपका ये हो जाएगा 2, 1। चलो ये प्लॉट कर लो और जैसे ही प्लॉट करो आपने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया,
ठीक, इसका कोऑर्डिनेट लिख लो -1 और इसका कोऑर्डिनेट 2 लिख लो। ठीक, अब तो डायग्राम क्लियर हुआ ना। चलो हमको क्या बताना है, एरिया बाउंडेड बाई किससे, एरिया बाउंडेड बाई लाइन का जो इक्वेशन दे रखा है और ये कर्व, तो इससे हमें कौन सा एरिया बाउंडेड हो रहा है, ये वाला, हमको ये एरिया बताना है। इसको किससे डिनोट कर लो, ए से। और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे सिमेट्री का केस नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि तो देखो ये एरिया कुछ और है, ये एरिया कुछ और है, ठीक है। अब चलो, अब इसको हम रफ करते रहे, ये कोऑर्डिनेट निकाल लिए, ठीक है। चलो अब लिखो, सीधे डायरेक्ट लिखेंगे अब हम, रिक्वायर्ड एरिया, ये लिख लो, लेट रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ए। अब देखो ए इक्वल टू, ध्यान से यहाँ पे भी सीखने वाली बात है, जब आप निकालोगे क्या, पहले आप जब इस लाइन के थ्रू एरिया निकालोगे तो ये क्या करेगा आपका, आपका ये एरिया देगा और साथ में आपका नीचे वाला भी एरिया दे देगा, जब इस लाइन से बाउंडेड एरिया निकलेगा। ध्यान से देखो, इस लाइन से जब बाउंडेड एरिया देगा तो ये पूरे का एरिया आपका निकल जाएगा, एरिया ऑफ होल रीजन इसका। बट हमको मतलब किससे है, जो हमारा ये रेड वाला पोर्शन है, तो इसका मतलब रेड में से हमको इस ब्लैक वाले पोर्शन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, एक तो ये है कि आप -1 to 0 फिर 0 to 2 करो, दो बार लिमिट लेके दो बार इंटीग्रेशन करो, या तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम डायरेक्ट -1 to क्या ले लेंगे, 2, यहाँ पे लिमिट ले लो -1 to 2, और लाइन के थ्रू जो इक्वेशन बन रहा है, तो इस लाइन के थ्रू मान लो कि हमने निकाला, ये लिखा ydx, यहाँ पे देख लो लाइन का इक्वेशन, तो ये देखो 4y इक्वल टू आपका हो जाएगा x+2 होगा ना, यहाँ से y इक्वल टू 1/4, ये हो जाएगा आपका x+2। ये किसके थ्रू है, लाइन के थ्रू जो एरिया बनेगा, यहाँ पे अब हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं 1/4, और ये आपका हो गया x+2 माइनस किससे करोगे, -1 to 1, और ये जो आपका एरिया बनेगा किसके थ्रू बनेगा, अब यहाँ पे स्मॉल स्ट्रिप अगर आप लेते हो, ये किससे बाउंडेड है, इस पैराबोला के इक्वेशन से बाउंडेड है, तो अगर आप इस वाले के लिए ydx लिए, तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x²/4, ऐसे करना पड़ेगा। अब वैल्यू पुट कर लो, माइनस ये हो जाएगा आपका x²/4 और ये 4dx। राइट डाउन कर लो सब लोग। हो गया सबका, ठीक है। अब चलो इसी को आप सॉल्व कर लो, तो ये तो पहले 1/4 है, तो 1/4 को बाहर ले लो, और आपका अब डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर दो, तो x को इंटीग्रेट करोगे तो x²/2, और 2 को करोगे तो ये 2x आ जाएगा, और माइनस आपका x³/3, और ये आ जाएगा -1 to 2, क्या आ जाएगा आपका -1 to 2। अब चलो इसको आपने क्या करना, क्या छूट गया, अच्छा वो बाहर ले ली, 1/4 को साक्षी बाहर कॉमन ले लिए, हाँ ठीक है ना। अब चलो यहाँ भी कैलकुलेशन ध्यान से सभी लोग देखना, मिस्टेक ना हो भाई। तो सबसे पहले हम 2 पुट करेंगे, तो 2² / 2, जल्दीबाजी नहीं करना, 2 × 2, क्योंकि मिस्टेक होता है तो उससे ज़्यादा समय फिर लग जाता है मिस्टेक ढूंढने में, और माइनस दूसरे ब्रैकेट में, अब एक्स की जगह पे आपने -1 रखना है, तो -1² फिर -1 और × 2 हो जाएगा आपका, ठीक, और माइनस, और ये लिख लो -1³/3, और ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये 2 जा, ये 1/4, ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, ये 2+4, और ये 2³ करोगे तो ये -8/3, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1/2,
1/2 माइनस 2, और यहाँ पे भी आपका माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ध्यान देना कि ये प्लस 1/3, ऐसे कर लो इसको। अब इसको रफ कर लो, आप देखो ये लिख लो 1/4, और ब्रैकेट के अंदर 2 + 4 = 6 माइनस 8/3 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने क्या कर लेना है ना, 6 LCM ले लो, तो 6 लोगे तो 2 2 3 जा और माइनस 12, और आपका क्या हो जाएगा 3 2 जा, ये प्लस हो जाएगा, तो 3 2 5 माइनस ये 12, तो क्या हो जाएगा -7/6, तो यहाँ पे हो जाएगा -7/6, ये भी कंप्लीट कर लो, तो ये 18 - 8 कर लो, तो ये डायरेक्ट हम लिख लिए 10/3 + 7/6। अब यहाँ पे 1/4 LCM ले लो, 6 हो जाएगा, जैसे आपने 6 LCM लिया तो ये 3 2 जा, ये 20, और प्लस आपका क्या हो जाएगा 7, ठीक। चलो अब देखो 1/4 × 27/ आपका क्या हो गया 6 हो गया, ठीक। तब 3 से कर लो, 3 3 जा और 3 9 जा, ठीक, तो 3 2 जा, ओके, तो यह आपका 9/2 square unit, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया ना सबका, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलो सब लोग कंप्लीट कर लो इसे। चलो अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व, बाउंडेड बाय कर्व y² = 4x एंड द लाइन x = फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x² = 4y एंड द लाइन x = 3। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लो, x x डैश y y डैश, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया ओरिजिन y² = 4x, ये आपका बन गया ऐसे, ठीक। और आप क्या ले लो x = 3 ले लिए, ये हो गया x = 3, y² = 4x, इससे बाउंडेड रीजन यही बन रहा है ना। एक का निकालोगे तो ये मान लो इसको a1 और ये क्या है a2, तो लिख लो यहाँ पर सीधे अब रिक्वायर्ड एरिया, लेट रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू a, तो a इक्वल टू 2 × सीधे 2 × कर लो, और यहाँ पे स्मॉल स्ट्रिप ले लो, ठीक। यहाँ पे ये dx और ये क्या ले लेते हैं y, ये तो बहुत ही सिंपल है, y dx, लिमिट क्या हो जाएगी, ये 3 है तो ये 0 to 3। अब वैल्यू पुट कर लो, क्या हो गया आपका 2 0 to 3, y = क्या है आपका, देखो ये हो जाएगा √4x dx, 4 से बाहर आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा 2 यहाँ से, और ये अब डायरेक्ट कर दे रहा है, √x को करोगे तो x³/2, और ये आपका 2/3, और ये 0 to 3, ये क्या हो जाएगा 8/3, और x की जगह पे आपने क्या लिखना है 3^3/2, और ये तो आपका 0 ही हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 8 × 3, और ये 3/3/2, तो नेक्स्ट स्टेप में 8 × 3/2 और माइनस में क्या कर लोगे 1, ये आपका क्या हो जाएगा सर, वहाँ पे 8 होगा ना, कहाँ पे सौरभ, सर जहाँ 4 बार लिए हैं तो 4 × 2 = 8, अब 4 लिखे 4 है ना, अंडर रूट में 4 है सौरभ, तो जब ये बाहर जाएगा तो 2 हो जाएगा ना, 2 2 = 4 हो जाएगा, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यस, ठीक। अब ये देख लो यहाँ पे
ये इस फॉर्म में इसको चेंज कर लो, या फिर इसको चाहते तो हम ऐसे ही छोड़ देते, ये यहाँ ऐसे भी लिख देते 8/23, और इसको कर लो तो ये √7 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, देख लो, चाहो तो ऐसे भी छोड़ दो 8/3, और आपका क्या हो जाएगा √27 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, हो गया सभी का? यस सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 12 तो शायद ऑब्जेक्टिव है क्या? अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव शायद इस, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर इसमें है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, अब देखो 12 में क्या कर रहा है, एरिया लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहली बात क्या कह दिया, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 4, और आपका क्या दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, रफली हम क्वेश्चन को लिख ले रहे हैं। ठीक है, एंड द लाइन्स ये एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू क्या है आपका 2 है। देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले वाला बड़ा था, देखो कौन अभी इतना बड़ा भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना समय लेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डायग्राम बना लो, एक्स एक्स डैश वाई y डैश, और आपका क्या हो गया ओरिजिन हो गया। अब आप इसका सबसे पहले ये ग्राफ बना लो। ठीक, इसको लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो और फिर क्या दे रखा है, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 2 दे रखा है। तो जो हमारा लाइन बनेगा यही वाली लाइन क्या हो जाएगी आपकी, यही होगा आपका एक्स इक्वल टू 0, और देखो ये 2 ही होगा इसका कोऑर्डिनेट, ये एक्चुअली यहीं पे ये टेंजेंट लाइन बन रही है, ये बना लो आप, ये हो गया आपका एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपका हो गया एक्स इक्वल टू 2। अब देखो बताना क्या है आपको कि किससे किससे, इस सर्किल से बाउंडेड, ठीक है, इस वाले सर्कल से बाउंडेड हो ये रीज़न, ठीक, इस लाइन से बाउंडेड हो, इस लाइन से बाउंडेड हो, और क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब हमको ये वाले पोर्शन का क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक, सिंपल सा क्या करोगे, वही फंडा, स्मॉल स्ट्रिप ले लो, आपने इसको dx लिया, इसको ये लिया, इसको सपोज हमने डिनोट कर लिया a से, ये लिख लो a इक्वल टू, और लिमिट क्या हो जाएगी, इसका कोऑर्डिनेट 2 है, ये 0 to 2, और y dx ये लिख लो y dx, तो 0 to 2, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी √2² - x² आपका क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब फार्मूला, ठीक, फार्मूला क्या होता है x/2, तो ये लिख लो x/2, फिर √a² - x², नेक्स्ट स्टेप में a पॉजिटिव, दैट मीन्स आपका a पॉजिटिव, a² / 2, तो 4/2, साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स आपको क्या करना है x/a, तो x/a क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और 0 to 2, ये वैल्यू पुट कर लो, तो जैसे ही आपने यहाँ पे 2 पुट किया तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 - 0 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4/2 किए तो 2, और साइन इनवर्स ये 1 आ जाएगा, x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 2/2 करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और माइनस 0 पुट करोगे ये भी 0 ये भी 0, हमेशा ये 0 ही आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 2, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2, 2 से 2 कैंसिल आ गया, π² यूनिट। देखो कौन सा आंसर सही है, ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट
सबका हो गया, तो फिर बताओ आगे बढ़ा जाए। यस सर, हो गया। चलो ओके। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, अब इसमें क्या कर रहा है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक, और आपका दिया वाई एक्सिस, ठीक है, एंड द लाइन वाई इक्वल टू 3। ओके चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा आपका एक्स, एक्स डैश, ठीक है, वाई, वाई डैश, ओरिजिन। हमेशा ध्यान देना, जब भी हम बनाते हैं तुरंत एक्स एरो भी बनाते हैं, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ठीक है। 100 वाली कापियों में हम बार बार इस चीज़ को रिकॉल करा रहे हैं कि एक एक चीज़ देखा जाता है, तभी उसको 100 में 100 दिया जाता है, ठीक है। नहीं बच्चे कहते हैं हम किए तो थे लेकिन हमको 100 नहीं दिए लोग, तो उसमें छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, तो एग्जामिनर वहाँ 100 देने में डरता है, तो ये चीज़ ध्यान दिए रहना। तो y स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या है, 4x। तो सबसे पहले ये बन गया, ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x। नेक्स्ट क्या है आपका, ये आपका y एक्सिस और y इक्वल टू मान लो ये 3 है, ये ऐसे बना लो, ठीक, सपोज मान लो कि ऐसे अपना चला जाएगा, तो हमको यहाँ पे लिख लो y इक्वल टू 3। किसका एरिया बताना है, इस वाले रीजन का, दिस रीजन का एरिया बताना है, दैट मीन्स ये वाला, ठीक है। अब इसका एरिया किसके थ्रू निकालोगे, सबसे सिंपल तरीका आप ये y एक्सिस के एलांग चले जाओगे, और y एक्सिस पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट dy लेते हो, और ये डिस्टेंस क्या लेते हो, x लेते हो, लिख लो a। इस एरिया को हमने डिनोट कर लिया ए से, तो ए इक्वल टू, अब लिमिट देखो 0 to 3 0 to 3, और यहाँ पे आपका केस बन जाता है वाई एक्सिस के अलांग है, तो एक्स इंटू डी वाई, इसीलिए स्मॉल इसको क्या लिए हैं, डी वाई ब्रिथ को लिए हैं, और लेंथ यहाँ पे एक्स ले लिए हैं। अब वैल्यू पुट कर लो 0 to 3, और क्या है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y स्क्वायर अपान 4 डी वाई, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में 1/4 बाहर गया, और आपका ये y क्यूब अपान 3, और ये 0 to 3। अब वैल्यू पुट कर लो 1/4, और y की जगह 3 क्यूब अपान 3, और ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, तो एक 3 से एक 3 कट जाएगा, तो 3 जा 9/4 स्क्वायर यूनिट। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी, बी इज करेक्ट आंसर आपका। ये था आपका क्वेश्चन नंबर क्या 13। ओके okay?